मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक रामावतार सैनी जी और उनके साथ बहुत सहयोगी साथी यात्रा पर निकल रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के गरीब किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिनको अभी तक हक और सम्मान नहीं दे पाई सरकार, और कई सवालों को लेकर के जनता में जागरण करने का काम करेंगे अपने यात्रा के माध्यम से। बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए जाति जनगणना हो तभी सही तरीके से सामाजिक ताना बाना भी बनेगा और तभी सामाजिक न्याय संभव है। जाति एवं धर्म के आधार पर जो उत्पीड़न होता है, जो नफरत फैलाई जाती है, इसको रोका जाए, लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर रामन लोहियाई के सपने और नेताजी का संघर्ष जो रहा है देश का लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए, ये बचे, उसके लिए भी जन जागरण करने का काम हमारे सैनी समाज, मौर्य समाज, साख समाज के लोग निकल पड़े हैं। शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, पुरानी पेंशन बहाल हो और शिक्षा को जिस तरीके से प्राइवेटाइज हाथ में दिया जा रहा है, आज प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल हो गया या इंटरमीडिएट हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, ये संभव ही नहीं है गरीब पढ़ पाए। इसलिए जिस तरीके का शिक्षा में व्यापार चल रहा है वो भी रोका जाए। इन तमाम सवालों को लेकर के रामावतार सैनी जी और उनके सहयोगी साथी सब निकले यात्रा पर। 25 तारीख को बिजनौर में यात्रा का समापन होगा, उसमें हम लोग पहुंचेंगे और बड़े कार्यक्रम के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ी है और सही समय पर अगर फैसला नहीं लिया होता तो लाल टोपी और साइकिल चुनाव चिन्ह को कोई मांगने वाला नहीं मिलता। इसलिए अपनी पार्टी का जो हमारा संगठन था, हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो जिम्मेदार नेता पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे थे, उनकी वजह से हम लोगों ने चुनाव लड़ाया और हमें उम्मीद है अच्छा परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। देखिए, अब गठबंधन के बारे में बात फिर होगी, क्योंकि गठबंधन की बात हमेशा चलती रहती है, तो गठबंधन की बात फिर होगी। देखिए, जहां तक धर्म को लेकर के समाजवादी पार्टी का साफ मानना है कि धर्म को लेकर के कभी कोई बात नहीं रखनी है। जैसा धर्म है हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर, मान लीजिए गोवर्धन अभी हमने त्योहार मनाया, कृष्ण भगवान ने अपनी इस उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया, वो इसीलिए उठाया ना कि उस समय जो भगवान थे उनका अहंकार दूर करने के लिए, अपने किसानों को जो या जो गरीब थे उनको इकट्ठा कर करके जो भय था उनके अंदर, उस भय को दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया, नहीं उठाया। अभी भी चल रहा है त्योहार, अभी भी समय उस त्योहार में खत्म होने का। तो हमारे धर्म में कभी कई बार कई तरह की बातें आ जाती हैं, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कोई धर्म पे कुछ नहीं करे, जैसा धर्म है वैसा स्वीकार करो, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई चलती रहे, जाति जनगणना की लड़ाई चलती रहे। अच्छा, आपका चैनल क्यों दिखाता है? देखिए, अगर आप हो, आपकी तो जिम्मेदारी है, तो आप चैनल दिखाना बंद करिए। तो आप भी तो कोई खबर बेचना चाहते हो, आप खबर मत बेचिए, आप भी धर्म को जैसा वैसा स्वीकार करें। नहीं, एनडीए में तो जाने कितनी बड़ी कला है। नहीं, मैं आपसे कहता हूँ, आप लोग भी सवाल न पूछो न खबर चलाओ। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि सभी नेता जो हैं दो मुहे साफ होते हैं। समाजवादी पार्टी सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर जाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी पर पूरे उत्तर प्रदेश के किसान, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, बुनकर भाई, नौजवान, माताएं बहनें, सबको भरोसा है। इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और आप लोग भी, बीजेपी चाहती है कि बेरोजगारी पे बहस ना हो, इसलिए आप लोग भी इस्तेमाल हो जाते हो। अरे चैनल भाई लोगों, आप इस्तेमाल मत होइए।
सर गठबंधन के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। अरे भाई मैं आप कह रहा हूँ, आप चैनल अपना इस्तेमाल मत होने दो किसी के नाम से।